फ्रेंड्स, वैसे तो एक्सेल में हम काफ़ी सारे फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे फोर फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि लॉजिकल फॉर्मूला हैं और एक्सेल में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनमोल है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक्सेल और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड आगे भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप हमारे पास एक्सेल शीट में कुछ डेटा देख रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे नेम मेंशन किए हैं और यहाँ पे मोबाइल के नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हम राइट, लेफ्ट और लेंथ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। पहले हम यहाँ पे राइट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि यह कैसे फंक्शन करता है। टाइप करेंगे इजिकल टू राइट, ब्रेकेट लगाएंगे, टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हम अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने डेटा फिल किया हुआ है, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे नंबर करेक्टर मार्क रहा है। तो हमको ये चीज देखना है कि जब हम राइट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हम राइट वैल्यू को पिक करते हैं, तो ये राइट वैल्यू यहाँ से आ रही है तो हमको कितने डिजिट पिक करना है। यहाँ पे है एक डिजिट पिक करना, दो डिजिट पिक करना, तीन डिजिट पिक करना है या फोर डिजिट पिक करना है या इससे अधिक। तो अभी हमको यहाँ पे चार डिजिट राइट से हमको पिक करने हैं, तो हम यहाँ पे फोर टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर के हमने लास्ट के फोर डिजिट को पिक किया है दूसरे सेल में। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे सारे नंबर एक साथ में पिक हो जाते हैं। तो राइट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम तीन कर देंगे तो लास्ट के जो थ्री डिजिट हैं वो थ्री डिजिट शो करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे तो यहाँ पे एक डिजिट लास्ट का पिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राइट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एक्सेल में जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं। सेम लेफ्ट भी उसी तरह से फंक्शन करता है, लेकिन अभी हमने यहाँ से राइट पिक किया था, लेफ्ट फॉर्मूला में सिर्फ लेफ्ट की वैल्यू को पिक करेगा। तो टाइप करेंगे इजिकल टू लेफ्ट, ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। इस बार हमको लेफ्ट में 1 2 3 4 यानी लेफ्ट के फोर डिजिट को पिक करना है। तो हमने यहाँ पे फोर टाइप किया है, ब्रैकेट बंद किया है। तो आप स्टार्टिंग के देखेंगे प्लस 91 और डैश हमने पिक किया हुआ है लेफ्ट फॉर्मूले की हेल्प से। इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, नीचे तक ड्रैग करने के बाद कुछ इस तरीके से आप वैल्यू को पिक कर पाएंगे। से हम वैल्यू का नंबर काउंट करते हैं कि वो कितने डिजिट में है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इजिकल टू लेन, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट में, हमने इसको सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये उसका डिजिट का काउंट यहाँ पे शो कर देता है कि वो कितने डिजिट का है यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप राइट, लेफ्ट और लेन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको एक दूसरे उदाहरण से बताते हैं। हमने पहले से राइट, लेफ्ट और लेन फॉर्मूला का यूज कर लिया है। अगर हम लेन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे 14 डिजिट शो कर देगा कि इस ये मोबाइल नंबर 14 डिजिट का है, बट मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का रहता है। तो हम यहाँ पे 10 डिजिट को कैसे क्रॉस चेक करेंगे, अगर हमको क्रॉस चेक करना है कि ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है या नहीं है। तो अगर हम इसमें से प्लस 91 डैश हटा दें तो ये 10 डिजिट का हो जाना चाहिए। तो यही चीज को हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। तो कैसे हम चेक करेंगे, पहले हम यहाँ पे लेन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा है कि लेन फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है, तो लेन फॉर्मूला हमारा इसको टेक्स्ट के डिजिट को काउंट कर लेगा। उसके बाद हम उसमें माइनस करेंगे, माइनस हमको क्या करना है, स्टार्टिंग के फोर डिजिट माइनस करना है, क्योंकि हमको ये काउंट नहीं करना है, हमको सिर्फ 10 डिजिट को ही काउंट करना है और चेक करना है कि वो 10 डिजिट का है या नहीं है। तो माइनस करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद हम दोबारा से फिर लेंथ फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और लेंथ फॉर्मूला में अब इस बार हम टेक्स्ट में क्या चीज काउंट करना चाहते हैं, तो हम काउंट करना चाहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और लेफ्ट फॉर्मूला में हमने टेक्स्ट को कंसीडर किया है, कॉमा प्रेस किया है, नंबर करेक्टर, नंबर करेक्टर में हमें लेफ्ट के फोर डिजिट को पिक कर देना है, ब्रैकेट बंद कर दिया है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से शो करेगा। एक बार मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये आप अपने लॉजिक से फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉजिकल फॉर्मूला है।
सबसे पहले हमने लेन हमने काउंट किया लेन का, जैसा फंक्शन मैंने बताया कि वो हमेशा डिजिट को काउंट करता है, ये हमारा 14 डिजिट का है बट मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हमेशा रहता है, तो हमको 10 डिजिट से क्रॉस चेक करना है कि वो 10 डिजिट का है या नहीं है। हम अगर इसको प्लस 91 डैश हटा देंगे तो वो 10 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको यहाँ से कैसे हटाएं फॉर्मूले में, तो हमने सबसे पहले लेन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसके बाद उसमें माइनस हमको करना है स्टार्टिंग के 4 डिजिट को, तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट को हम माइनस करने के लिए फिर हमने लेन का ही फॉर्मूला लगाया है। लेकिन जब लेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फिर से पूरा ही काउंट करेगा जाके, तो हमको इस बार पूरा काउंट नहीं करना है, हमको सिर्फ लेफ्ट के 4 डिजिट काउंट करने हैं। तो लेन फॉर्मूला के अंदर हमने लेफ्ट के 4 डिजिट को काउंट कंसीडर कर लिया है, यानी हमने 14 डिजिट माइनस 4 डिजिट कर दिया, तो यहाँ पे 10 डिजिट आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे और चेक करेंगे कि सारे मोबाइल नंबर 10 डिजिट के हैं या नहीं है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर 11 डिजिट का शो कर रहा है, यानी इस मोबाइल नंबर में एरर आया हुआ है। तो ऐसे हम फॉर्मूले की हेल्प से एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला मिड का फॉर्मूला है, जैसा कि हमने जाना है कि राइट फॉर्मूला जो है हम उससे राइट की वैल्यू को पिक कर सकते हैं, लेफ्ट के फॉर्मूले से हम लेफ्ट की वैल्यू को पिक कर सकते हैं, लेकिन जो मिड का फॉर्मूला है मिड के फॉर्मूले से हम बीच की वैल्यू को अगर पिक करना चाहे पर्टिकुलर बीच की वैल्यू को पिक करना चाहे तो हम पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करेंगे तो जानते हैं। टाइप करेंगे इक्वल टू मिड, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हमने इसको सिलेक्ट किया है, कॉमा प्रेस किया है। अब यहाँ पे दो चीज मांग रहा है, स्टार्ट नंबर और नंबर करेक्टर। तो स्टार्ट नंबर में हमको ये चीज हमको फाइंड करना है कि हमको कहाँ से नंबर को बीच की वैल्यू को चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर के काउंट दिए हमने यहाँ पे सीरीज में लिया हुआ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 वैल्यू जो दिया है 3 से पिक करना है 6 तक, यानी हमको 1 2 3 स्टार्ट नंबर में हमको 3 से काउंट करना है और आगे के 1 2 3 4 यानी हमको 4 डिजिट आगे के पिक करना है। तो स्टार्ट नंबर हमने 3 ले लिया है, उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और आगे के हमको 4 वैल्यू को पिक करना है और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो हमने 3 4 5 6 इस तरीके से इसको पिक कर लिया है। इसको हम नीचे यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो हमने बीच की वैल्यू को यहाँ से पिक कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप बीच की वैल्यू को पिक कर पाएंगे। यहाँ पे हमने एक दूसरा उदाहरण लिया हुआ है, इसको भी मैं आपको यूज करके बताता हूँ कैसे हम इसको पिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको इस सेल के अंदर से जो इजी लिखा हुआ है हमको केवल इतना ही पिक करना है। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो ई दिया गया है ये हमारा 6वें नंबर पे है और इसके बाद से हमें 1 2 3 4 यानी हमको 4 डिजिट हमको बीच के पिक करना है, ये 4 डिजिट हमको पिक करना है। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू मिड और टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, इसके बाद ये 6वें नंबर पे है तो स्टार्ट नंबर में हम 6 नंबर काउंट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और हमको 4 डिजिट तक इसको पिक करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो आप देखेंगे हमने बीच से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को पिक कर लिया है मिड फॉर्मूले की हेल्प से। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।